सनराइजर्स हैदराबाद कर चुकी है क्वालिफाई तो हमें मिल गए अपने तीन क्वालिफाइड टीम्स अब चेन्नई और आरसीबी का मैच हो गया डायरेक्ट शूटआउट जो जीतेगा वो जाएगा ऊपर की तरफ पर इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है आ, कि चेन्नई बाहर भी जा सकता है और नंबर दो पे भी समाप्त कर सकता है सनराइज हैदराबाद भी नंबर दो पर जा सकता है और राजस्थान रॉयल्स वो दो पे समाप्त नहीं भी कर सकता है दैट्स हैपनिंग <laughs> चोपड़ा जी क्रिकेट चौपाल में आप सभी का हाथ जोड़ के स्वागत है और वैसे बात हम बहुत सारी करने वाले हैं आज शाम को मुंबई के सामने एल का मैच है वैसे तो इनकॉन्सिक्वेंशल मैच है क्योंकि मुंबई तो वैसे भी कहीं जाने ही रहे थे और एल भी अब कहीं नहीं जाने वाले उनका भी कोई चांस नहीं है मतलब ऑनस्टली स्पीकिंग और डायरेक्ट शूट आउट उसकी बात हम कर चुके हैं और दिमाग का इस्तेमाल कैसे करना है वो मैं आपको बताऊँगा जरा आपको समीकरण समझाता हूँ फटाफट से कि क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ कि अभी सब कुछ संभव है ये नंबर वन तो गारंटेड हो गया कि आपकी एक तो टीम है जो नंबर वन टू पे फिनिश करने वाली है दैट्स एक्चुअली नंबर वन पे फिनिश करने वाली है कोई नहीं पहुंचेगा उन्नीस तो पॉइंट पे दैट्स के के आर एप्सिलूटली तैयार अभी बाकी जो तरीके क्या हैं गेम बदलने के नंबर दो पे इस समय राजस्थान रॉयल्स है लेकिन अगर वो अपना आखिरी मुकाबला हार जाते हैं उनके नेट रन रेट अच्छे हैं नहीं और आखिरी मैच किससे के के से तो हार सकते हैं अगर वो हार जाते हैं तो वो सोलह पे अटक जाएंगे दैट्स करेक्ट और आ, हैदराबाद जो है वो पंद्रह पे पहुंच चुके हैं क्वालिफाई कर चुकी है आखिरी मैच किससे है पंजाब किंग्स से पंजाब किंग्स किंग के पास अब कोई भी इंग्लिश प्लेयर नहीं बचा है तो ऑलमोस्ट ऐसा होने वाला है कि एक तरफ तो हैदराबाद की पूरी टीम सामने ऑलमोस्ट लाइक सईद मुश्ताक अली ट्रॉफी वाली टीम आपने सामने से उतार दी तो वो जीत सकते हैं कहाँ पहुँच जाएंगे सत्रह अंकों पर अगर वो सत्रह में पहुंचे तो फिर नंबर टू पर फिनिश करेगी हैदराबाद एंड नॉट राजस्थान राजस्थान का रात का मैच अगर वो नहीं जीते तो अब तीसरा सिनेरियो सुनिए आप तीसरा सिनेरियो ये है कि अगर चेन्नई सुपर किंग्स जीत जाती है चेन्नई सुपर किंग्स जीत जाती है हरा देती है आरसीबी को तो सोलान को भी पहुंच जाती है और अगर हैदराबाद पंजाब से हार जाए और वैसे और राजस्थान हार जाए के, -के से तो फिर 16 पे रह जाएगी राजस्थान 15 पे रह जाएगी हैदराबाद और 16 पे होगी चेन्नई विद अ बेटर रन रेट नेट रन रेट बेटर एन आर अब तो वो पहुंच जाएंगे नंबर दो पर और एक और सुनैरियो ये है कि अगर हार जाती है सी एस के तो आर सी बी विल भी थ्रू एज द फोर्थ टीम तो अच्छा खासा कॉम्प्लिकेशन है पर उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है टू बी वेरी ऑनेस्ट बाय द वे अठारह तारीख को बारिश होने के पूरे बुरा आसार है तो उसके अंदर जितना मैच छोटा होता जाएगा उतना चांस जो है वो आर सी बी का मुश्किल होता जाएगा क्यों क्योंकि मैच चाहे वो बीस ओवर का हो या फिर हो पाँच ओवर का मिनिमम आपको अट्ठारह रन या ग्यारह गेंदें वो अभी भी मैटर वही करता है दैट डिस्टेंस हैज टू बी द सेम तो जितना लंबा मैच उतने बेटर चांसेस उस उस मार्जिन से जीतने के जितना छोटा मैच उतने कम चांसेस हो जाएंगे आरसीबी के आगे जाने के इवन इफ दे विन द गेम तो ये तो रही इसकी बात अब जरा आज शाम की कर लें थोड़ी सी उसके बारे में मुलाकात बात कौन जीतेगा भाई मुंबई जीतेगा या लखनऊ जीतेगा मुझे लग रहा है एक्चुअली मुंबई जीत जाएगा ऐसा मुझे लग रहा है वैसे और क्या मुंबई तीन में तीस बनाएगा आजकल वैसे बनाता नहीं है हालांकि जब शुरू में वो मानना शुरू किया था लग रहा था बना देगा पर आजकल उनसे नहीं हो पा रहा है तो ये उनकी समस्या रही है और आपको अभी तक आइडिया हो ही गया है कि प्रोवो पे आप अपनी ओपिनियन का इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी मतलब की कैटेगरी चुन सकते हैं मैं क्रिकेट की कैटेगरी चुनता हूँ आप कुछ और चुन लो आजकल इलेक्शन चल रहा है वो चुन लो और अपने अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से सवाल चुनो और उसमें आसान सवालों के जवाब देने होते हैं सी एन अनो में जीते हुए पैसों को आप अनलिमिटेड विद्रा कर सकते हैं मेरे अगर कूपन कोड से जाएंगे तो आपको मिलेंगे अप टू रुपीज़ फाइव हंड्रेड ऑन साइनअप और तीसरा और सवाल आ गया क्या आ, पहले तीन ओवर में एक या एक से विकेट चटकाएगा लखनऊ मुझे लगता है वो भी नहीं हो पाएगा छोड़ो कुछ नहीं हो पाएगा यहाँ पर इस मैच में वैसे मजा ही पता नहीं आया कुछ अलग ही आएगा हो सकता है कि बहुत लोग नए नए भी आपको खेलते हुए नजर आए पर एनी हाउ प्रोबो पे आप जी का ध्यान ये लोग रखेंगे और जीते हुए पैसों को अनलिमिटेड विड्रॉ कर सकते हैं और सिर्फ कैश नहीं है यहाँ मर्सिडीज बेंस भी है थार भी है बाइक भी है फ़ोन्स भी हैं सो दे प्लेंटी टू विन एंड पहले मैंने जो बताया उसका ध्यान रखें अपनी ओपिनियन का इस्तेमाल अच्छे से करना है संभल के करना है इन्वेस्ट वाइजली सेंसिबली लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन अप टू फाइव हंड्रेड रुपीज का आपको बोनस मिल सकता है अगर आप मेरे लिंक से मेरे कूपन कोड का करेंगे इस्तेमाल तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मुंबई की सबसे पहले बात कर लेते हैं क्यों कर लेते हैं क्योंकि आखिरी मैच है अब आखिरी मैच है वैसे तो कुछ बचा नहीं है लेकिन बॉटम ऑफ द टेबल पे रहना भी किसी को पसंद नहीं होता और खास तौर से अगर आप पांच टाइम के चैंपियन हो तो आ, सीजन बहुत ही अंडरवेलमिंग रहा है ये भी सवाल होगा एक्चुअली किस दिन और ढंग से बात करेंगे कि किसको करेंगे रिटेन अगर रिटेन सिर्फ चार करने हुए तो बट इन दिस गेम आ, किस किस पे फोकस रह सकता है टू बी वेरी ऑनेस्ट मेरा पहला फोकस का प्लेयर कौन है पता है मेरा है सूर्य कुमार यादव क्योंकि सूर्य कुमार यादव जब खेलता है तो कमाल खेलता है इस मैदान पे सनराइज हैदराबाद को भाई ने क्या धोया था मतलब मजा ही आ गया था जब ये मारते तो मजे ही मजे मजे ही मजे उस तरह की बैटिंग ये करते हैं जब ये करते हैं पर ये ऐसी कैसे कर लेते हैं इसके लिए मैं नहीं बताऊंगा अगर ये हमारे इंडियन थ्री सिक्सटी है तो हु इज दी ओरिजिनल थ्री सिक्सटी इट्स ए बी डिविलियर्स करेक्ट है ना तो ए बी डिविलियर्स इज टेलिंग मी अबाउट सूर्य कुमार यादव का

हाँ जी ये बात easy. करते हैं हिंदी में आसानी से mm -hmm. आसानी से ओके mm -hmm. okay. uh, सूर्य <laughs> कुमार यादव सूर्य कुमार यादव की हम बात कर रहे थे अभी कि व्हाट मेक्स हिम सो स्पेशल एंड हाउ डज ही डू इट क्योंकि यू आर द वन हु स्टार्टेड इट एंड एंड वी जस्ट लव यू सो मच और हम तो ये कह रहे हैं एंड आई एम कीप टॉकिंग मूविंग इन हिंदी बिकॉज यू अंडरस्टैंड एंड माइ ऑडियंस इज हिंदी कि हम तो ये कह रहे हैं कि आपसे ही सीखा हमारे द ओरिजिनल इंस्पिरेशन सो हाउ डिड यू डू इट एंड वट सूर्य कुमार यादव डज सो ब्रिलियंटली मेंटल

And then something mentally went. He sort of laid the Chains. foundation, and that mind just told him, "Okay, now I've got the foundation. I can show the people what I'm about as a player." But uh, how difficult is it? Because uh, easier said than done. When you're trying this, you're trying that, and you're preempting half the time where the ball is going to. But do you have to preempt? You have to, right? Before you play that shot, you must know that you're going to play that shot. It's not as if you see the ball and you cover drive. You don't react. You need to preempt. It's a bit of both. Oh, okay. You, you, can, you can predict uh, okay. what's, what's coming next, but right. that's later on in your, in your innings. So right. you almost got to earn the right. Okay. Lay the foundation. And that's mm -hmm. how he played his cricket throughout his career. Mm -hmm. And now it's almost innings to innings. I think for him, it's all about laying the foundation. And then you can start playing and toying with the bowlers because the game becomes so much easier once you have a platform. Okay. So can we just walk through a few shots maybe? Uh, sure. There is one shot that you played, he plays. Uh, so do you actually. There are two things to it. One to predict where the ball is going to be. Do you predict the length or the line? What comes first in your mind? First, for me, it's length. Okay, first I don't care where it is. I'll get fair. that on ball. Okay, yeah. so a fuller ball. You don't want to go too short because if it's a bouncer and you find yourself in a Short awkward. will be a game plan B or C, right? Yeah, so you will look for game plan A, which is a full delivery, full delivery and help it, okay. And there, from there on, if it's a bit shorter, you adapt to it, obviously. So then you come a little bit up with it. You've seen Sky do that quite often, right? But very uh, important to note, um, there's a grip change, oh, with really? That shot okay, that not a lot of people know, right? You can't get it uh, scooped enough you if you don't change your right hand, your right hand's got to go there if i get it right so first you change the grip of course and you go low you stay really low uh, so that you get under the ball expecting a full delivery expecting a full delivery yes. okay uh, so that's one but uh, sometimes you play in the other direction as well i mean how why <laughs> where is the respect for the bowlers what's happening those things happen when you're in the yeah. form of your life okay. in really good form if you're not in form you're going to miss those which right. i've done before Sky's has done that before right. not really confident about your game a little bit late Right. You almost forget to watch the ball clearly or carefully, and um, that's where you miss those. But when you're in great form, you get into good position, everything happens in slow motion, You bowls it outside off, and you just follow it. You hit six over there, and everyone tells you that, wow, they've never seen anything <laughs> like this before. Correct. And that's what we feel when we watch Sky these days. So we call that a Supla shot. Supla shot. Supla shot. Uh, uh, down on a knees. Supla yeah, shot. Yeah, Supla shot. I mean, uh, <laughs> uh, that's incredible. Uh, but there's, there's one more to it. Uh, so now, people, after a while, they start positioning fields mm. uh, based on your strengths. So, a lot of people now throw that fine leg back immediately ah. because you know this is where he's going to play. So, bring the long on maybe in mm. and ask him to do something different. Must have happened with you as well. Absolutely. Uh, so, how do you deal with that? I mean, that's a mental shift. <laughs> I love that. I fully, <laughs> fully agree. So, the thing is, you either give the bowler what he wants and you back yourself so much that you're in the form of your life. If he wants to bring that guy in, now I'm going to get him over there, and you sort of toy with him. Right. Or if you're not feeling so good, you're a little bit low in confidence, you you play the guy on the boundary, but you keep it on the floor. You get okay. off strike. You maybe run two. So there are oh. more ways of playing the game of cricket than just to, to muscle it to the boundary. Fair. If you have your fine leg and the square leg out on the leg side, hmm. you can also get two in that <laughs> gap. You can get two to the midwicket boundary. Right. You can get two just to a little bit wider off third man. So if you're not feeling it on the day. Don't just lose your wicket and get out. Take it deep. Because maybe in the 15th over, something triggers and you just started going like, woo, I'm back in form. And then you win the game for your team. It's an interesting one. Just keep biding the time. Take the game deep. Uh, mm. Dhoni does that very well. He's done that all his uh, life. Take the game deep. So th mm. there is a trigger that you, you believe that it's going to happen. Uh, inherently that this is going to happen. But it may not happen sometimes. Does that happen? Dhoni is a good example. Because he, he started believing himself so much that... Right. He almost got too good at it, right. he left it a little bit late sometimes but once you pull it off once or twice, you get that self confidence and the belief that you can do anything under pressure right. and that's where MS was at his best throughout his career Incredible. but I would rather have a guy do that instead of throwing his wicket away early on because he 's feeling the pressure. Get yourself in, give yourself the best chance. I played my best innings when I gave myself a chance, ten of ten balls, nineteen of eighteen when okay. I scored hundred at the World Cup against the West okay. Indies. Ended on 160 of 60 balls, but I was 19 of Off 18. 18 wow. So it was that foundation was laid. Something happened. I hit a good cover drive, and I went like, "Ooh, that felt sweet." Maybe I am in good form, and you start right. believing it, and then fireworks happen. Okay, my last question. Uh, so this is whatever we have discussed is mostly on-sided, uh, but in today's day and age, uh, do you need that game on the offside as well, mm. or uh, if you don't have it, uh, then you will. More often than not, you'll find yourself in trouble. Is that necessary, having that game as well? You, you got to. I actually also struggled with it throughout my career a little bit until I snapped one day. Okay, now the bowlers are doing that to me as well. I have to work on that. So it comes down to hard work. Go to the right. nets, start practicing that because you know the bowler's got that in his artillery. He can do that, he can bounce, he can come straight. They have options, but sometimes the bowlers are not so clever. Right. They give you tips in the field placings they put out there. True. So, True. Difficult for them to get a balance between the offside and the leg side, and if they don't, you generally know what they're going to try and do. But I would say, have a very clear plan with that offside wide delivery. You've got to have that one where you also just open the blade, hit did past point, use mm. the pace. Dhoni also kept saying these things that uh, I'm under pressure, but the bowler is also under pressure, and I know it. Yep. Uh, so do you also feel maybe Sky is also feeling now when you are at a top of your game and you know yes I need 15 and over. But the bowler is also under tremendous pressure that these things have happened before. These guys have done this before. So, uh, do you play on that pressure as well? That, okay, fine. I'm under pressure. I'm not showing it. I'm Perhaps let's see who blinks first. Spot on. And I will add one <coughs> thing to that. Yes. Yeah? Okay. You, gotta, you never want the bowler to feel like he's one step ahead of you. Right. So, both are feeling pressure, but try and read what he's trying to do. Okay. Because even though we're both feeling pressure, if his plans are one better than mine, right. I'm still going to miss out on a couple of deliveries that I should be putting away so try and stay one step ahead of him because mm -hmm. then the pressure the guy's going to fall is probably going to be him it's about reading the game understanding what the captain's trying to do is the bowling lo bowler looking weak is he bowling to his field is he a guy that sometimes bluffs right. or not right. so those are the kind of things you really got to do your homework before a game understand who you're playing against and sort of read it while you're at the crease as well and understand the conditions there's a lot that goes into it it's not just standing there and playing the and that shot, yeah so I'll just say, think on your feet, um, have a clear mind, be aware of what's happening around you, have your eyes open, don't let the pressure make you look down at your shoes and you don't pick up on all those steps. Fantastic. That was absolutely outstanding. So, supla shot? Supla shot. Supla shot. Supla shot that way and this and way. And that way. <laughs> That's how you play it. Sky does it very well. वैसे कैसा लगा आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ बता दीजिएगा मैं तो कर रहा हूँ ए बी डी का एक YouTube का चैनल भी है उसका भी लिंक हम यहाँ डाल देते हैं प्लीज़ do follow him, क्योंकि बड़ा अच्छा कॉन्टेंट वो बना रहे हैं तो जस्ट गिव हिम अ लॉट ऑफ लव डिजर्व इट इज अ वेरी गुड गाय अब दूसरा खिलाड़ी कौन हो सकता है जो uh, मुंबई के मेरे लिए जो फोकस में रहेगा इट इज वेरी डिफिकल्ट टू गो बियॉन्ड बुमरा पर सवाल ये है कि अब बुमरा खेलेंगे uh, क्योंकि मैं एंटिसिपेट कर रहा हूँ कि काफी बदलाव हो सकते हैं क्योंकि मुंबई का तो सीजन खत्म हो गया है. Uh, हो सकता है कि वो उनको रेस्ट करा दें कि आकाश मठवाल को खिला लेते हैं क्योंकि मढ़वाल भी तो मतलब अच्छा करते आए थे पर उतने मौके मिले नहीं uh, जलाल को भी अवेलेबिलिटी का कुछ आइडिया नहीं है हो सकता अगर वो अवेलेबल हैं तो वो भी शायद खेल जाए और आप बुमरा को रेस्ट करा दें लेकिन अगर नहीं कराते हैं तो जसप्रीत बुमरा वन प्लेयर टू गो फॉर कि बंदा तगड़ा ही है यार जहाँ पे भी डालता है अच्छा ही डालता है इनफैक्ट अगर पहले बॉलिंग आई और खेल रहे हैं आ, तो मेरी फैंटेसी की टीम के, के वाइस कैप्टन भी हो सकते हैं आई एक्चुअली लीव हिम आउट तीसरा खिलाड़ी जिस पर फोकस कर रहा हूँ वह हार्दिक पंड्या द कैप्टन हालांकि फोकस तो वैसे रोहित पे भी है और फोकस तो ईशान किशन पे भी है और रोहित के पिछले पाँच छः पारियों में रन नहीं बने और अब ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल ही मतलब रिदम ही चला गया शुरुआत बहुत अच्छे से की थी पर सडनली क्रैश लैंड ईशान किशन पिछले मैच में थोड़े रन पर ही इज़ ऑल्सो नॉट बीन द सेम बैटर इस साल उतना अच्छा नहीं खेले हैं अब हार्दिक पंड्या ने अब ओवर्स डालने शुरू किए हैं चार चार ओवर्स डाल रहे हैं दो दो विकेट तीन तीन विकेट चटका रहे हैं तो वो अच्छा करते रहें तो ये इंडियन टीम के लिए बहुत अच्छी बात है मुंबई इंडियंस के लिए कितनी अच्छी होगी नहीं होगी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा पर इंडियंस के लिए अच्छा होगा अगर वो अच्छा करते रहते हैं तो और बैटिंग में भी रन्स बनाए यार क्योंकि बिना फॉर्म के ना आई एम टेलिंग यू द काइंड ऑफ मतलब जो पिछले ढाई तीन महीने जो बीते हैं हार्दिक के लिए दीज आर टफ टू एन हाफ थ्री मंथ्स और इट कैन ब्रेक पीपल डाउन कंप्लीटली तो अभी वो ख़त्म होने लगा है पर लेट्स होप दैट इज स्कोर्स रंस क्योंकि लेट्स नॉट फॉरगेट अगर रोहित कैप्टन ना भारतीय टीम के तो वाइस कप्तान जो है वो हार्दिक पांड्या है तो यू वॉन्ट हिम टू डू वेल लखनऊ ऑन दी अदर साइड पिछले मैच में बहुत लैकलस्टर नज़र आए ना uh, समझ में नहीं आई कि करने की क्या कोशिश कर रहे थे दिल्ली के सामने uh, पहले तो टॉस जीत के बैटिंग की जा सकती थी उन्होंने कहा नहीं हम नहीं करेंगे uh, हम चेस करना चाहते हैं हालांकि उस ग्राउंड का इतिहास कुछ और बता रहा था uh, फिर जब दो सौ रन कंसीड हो जाते हैं तो बैटिंग करने पहले छः ओवर में एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, एक विकेट गिरते हैं क्विंटन uh, डी uh, अब नहीं खेलेंगे मुझे लगता उनका हो गया शुरुआत अच्छी की थी एक दो मैच में रन्स बनाए थे उसके बाद बट ही इज कंप्लीटली डिसअपियर्ड और क्विंटन डिकॉ की जगह मुझे हो सकता है काइल मायर्स खेलते हुए नजर आ जाएं। आ, के एल राहुल के आंकड़े बहुत अच्छे हैं बस लेट्स फोकस ऑन के राहुल मुझे नहीं लगता वो खुद रेस्ट करेंगे कप्तान है uh, वानखेड़े में हिजकॉड अ लॉड ऑफ रन्स मुंबई के सामने हिजकॉड अ लॉड ऑफ रन तो उनके ये पसंदीदा टीम है एक्चुअली वैसे मुंबई उनका ससुराल भी है बट ही लाइक्स ही लाइक्स मुंबई तो बहुत रन्स बनाते हैं इस टीम के सामने और uh, इस बार भी उम्मीद यही लगाई जाएगी कि भाई साहब इंडियन बैटर्स में और ये थोड़ी रिपीटेड हो गई ना स्टोरी टूटा रिकॉर्ड हो गया है कि लखनऊ की जब भी मैं बात करता हूँ एक ही है इंडियन के बैट इंडिया बैटर जो रन बनाते हैं बाकी सारे कोई रन नहीं बना रहा आयुष बडोनी है कभी दीपक खूटा है कभी देवदत्त पाटिकल है पर किसी ने कंसिस्टेंटली रन नहीं बनाए हैं इज़ ओनली के राहुल राहुल वूज़ कंट्रीब्यूटेड करेक्ट तो ये वही कहानी है हालांकि इस बार तो के राहुल का भी वो वाला सीज़न नहीं रहा जो रहता है इनका सीज़न वो छः रन वाला रहता है अभी 600 से बहुत दूर है वहां तक शायद नहीं पहुंच पाएंगे आ, तो के राहुल विल बी मैं फर्स्ट प्लेयर टू वॉच आउट फॉर दूसरे होंगे मेरे पूरन क्योंकि छोटे से मैदान पर पूरन वो वाला काम कर सकते हैं जिसकी आप उम्मीद करते हैं जैसे पिछले मैच में वो कर रहे थे आ, पहले जब बैटिंग करने आए तो ऐसा लगा हर बॉल पर छः मानना चाहते हैं आ, कि एक दिल्ली गेट पर मारूंगा दूसरी कश्मीरी गेट पे तीसरी यमुना पार भेज दूंगा ऐसा मन बनाया था उन्होंने लप्पेबाजी कर रहे थे पर अंत में जाके रन वो बनाते हैं और उनके पास वो काबिलियत है फी गेट्स गोइंग दैन देर इज़ नो स्टॉपिंग और सामने जो मुंबई की गेंदबाजी वैसे भी किसी को भी खिला लें फिर चाहे जराल कोयजे खेलें नूं तुषारा खेलें बुमरा को छोड़ देते हैं क्योंकि ही इज़ एक्सेप्शनल बाकी सबके आंकड़े इतने अच्छे नहीं हैं पीयूष चावला इज़ कम टू इज जोन अभी जब हमने उनको लगातार खिलाना शुरू किया है। पर निकलस पुरन को तो उतनी दिक्कत नहीं होनी चाहिए लेग डालेंगे नहीं गुगली डालेंगे ज़्यादातर आई थिंक ही फाइन तीसरा खिलाड़ी मोहसिन खान पेस है बाउंस है इस पिच में मदद होती है फास्ट बोलर्स के लिए आ, सो मोहसिन खान आ, पहले मुंबई का हिस्सा भी थे इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली फिर चोटिल रहे फिर मुंबई ने उनको छोड़ा फिर ये लखनऊ में गए आई थिंक दैट्स द स्टोरी मैं एक बार उनसे मुंबई में मिला भी था आ, इलाज कराने के लिए बेचारे वो मुंबई आए थे जब उनके कुछ इंजरी का इशू चल रहा था बट देन आई एम एक्सपेक्टिंग हिम टू प्ले एंड एक्चुअली डू वेल सो दीज आर माई थ्री थ्री प्लेयर्स लखनऊ का अभी भाग्य वैसे है उनके साथ में ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कंप्लीटली आउट ऑफ द रेस हो चुके हैं पर uh, आउट ही है वैसे जिस तरीके का खेल रहे हैं दैट्स ऑल्सो रियलिटी करेक्ट है ना आज के लिए वैसे मेरे पास इतना ही है प्रोवो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया डू चेक इट आउट इन्वेस्ट वाइजली प्ले सेंसिबली स्काई का जो हमारा बढ़िया सा इनसाइडर था प्लीज़ आपने जो ए बी डब्व्यस के साथ था यार इसको तो देखा ही होगा आपने अच्छे से तो इसका भी बताइए और ए बी डब्बलियस के चैनल को ज़रा थोड़ा सा प्यार भेजिए यहाँ से बहुत सारा प्यार भेजिए थोड़ा क्यों प्यार जब देना तो दिल खोल के दो तो. uh, तो बांटने से बढ़ता है तो आप उनको प्यार दीजिए और इस चैनल को भी प्यार दे दो लाइक शेयर सब्सक्राइब कॉमेंट नोटिफिकेशन घंटी आज के लिए थैंक यू वेरी मच